सभी को नमस्कार। आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केयर गिवर्स के बारे में। कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से केयर गिवर्स की जो पीआर का टाइम है उसे कम कर दिया गया है, तो बहुत खुशी की बात है। अगर आप इस वीडियो में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं ना, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो भी जानकारी देते हैं कैनेडियन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही आपके तक पहुंचाई जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केयर गिवर के बारे में। केयर गिवर का पीआर का टाइम जो है वो आधा कर दिया गया है। ये खबर आप कैनेडियन इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है वहां जाकर भी ले सकते हैं, वहां पर भी आपको ये न्यूज मिल जाएगी। कनाडा का जो केयर गिवर पायलट प्रोग्राम है वो 2019 में लॉन्च किया गया था। केयर गिवर पायलट प्रोग्राम कोई ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ये किसी प्रोविंस का प्रोग्राम नहीं है। ये 2019 में लॉन्च किया गया था और ये 5 साल का पायलट प्रोग्राम है और इट मींस ये 2024 में जाके खत्म होगा। और इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। केयर गिवर पायलट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए +2 और साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आपने +2 और अपना आपके डिप्लोमा जो आपने 1 साल का किया है उसकी वेस्ट करवानी होती है, जिसे ECA कहते हैं। उसके बाद आपने आईलेट्स की होनी चाहिए, CLB 5 आपके होने चाहिए आईलेट्स में। नेक्स्ट है आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए। मींस के केयर गिवर पायलट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं चेंजेस क्या किए गए हैं इसमें। सबसे पहले आपको बता दूं कि केयर गिवर पायलट प्रोग्राम में फिक्स कोटा रखा गया है 5500 एप्लीकेशन का, जिसमें क्या है 55 एप्लीकेशन मांगी गई हैं, जिसमें इसको डिवाइड कर दिया गया है, आधा आधा कर दिया गया है। जैसे 2750 जो एप्लीकेशन है वो होंगी होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की और 2750 होंगी होम सपोर्ट वर्कर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की। जो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की टोटल 2750 एप्लीकेशन है, इनको भी आगे डिवाइड किया गया है। पहली है 1650 और दूसरी है 1100। 1650 है गेनिंग एक्सपीरियंस वाले, मींस के जो कभी कनाडा नहीं गए और फर्स्ट टाइम कनाडा जाएंगे काम करने के लिए। और जो दूसरे 1100 है वो है डायरेक्ट टू पीआर, जो ऑलरेडी कनाडा में काम कर रहे हैं और उनको 1100 का कोटा जरूर उनके लिए कर दिया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम होम सपोर्ट वर्कर की। जो 2750 एप्लीकेशन है होम सपोर्ट वर्कर की, इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें भी 1650 है गेनिंग एक्सपीरियंस वाले, जो कभी कनाडा नहीं गए फर्स्ट टाइम कनाडा जाएंगे काम करने के लिए, और 1100 है डायरेक्ट टू पीआर, जो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए रिजर्व किया गया कोटा। मीन्स के डायरेक्ट टू पीआर के लिए टोटल 2200 सीटें हैं उनके पास, जो उनके लिए रिजर्व कर दी गई है। अब डायरेक्ट टू पीआर वाले जो हैं उनका क्या सिस्टम था पहले, कि 2 साल उन्होंने कनाडा में वर्क परमिट लेना है, 2 साल काम करना है, उसके बाद उन्होंने पीआर के लिए अप्लाई करना है, मीन्स के वो पीआर ले सकते हैं। लेकिन अब उनका ये जो टाइमिंग पीरियड है उसको कम कर दिया गया है। ये पहले जो 2 साल का टाइम था, मीन्स के 24 मंथ थे, इसको कम कर दिया गया है, 2 साल से कम करके इसको 1 साल का कर दिया गया है। अब 1 साल का वर्क परमिट, मींस के 1 साल का आपने काम शो करना है और उसके बाद आप पीआर ले लोगे कनाडा की, क्योंकि 12 महीने का काम आप शो करोगे उसके बाद आपको पीआर कनाडा की मिल जाएगी। तो ये चेंजेस किए गए हैं, 2 साल से कम करके इसको 1 साल का कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसका फायदा किसे होगा। सबसे पहले तो इसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है उन लोगों को जो कनाडा में रह रहे हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी 1100 उधर से और 1100 इधर से टोटल 2200 सीटें मिल चुकी हैं, सर एप्लीकेशन मिल चुकी हैं, तो आप वो 2200 एप्लीकेशन में वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं और पीआर ले सकते हैं।
नेक्स्ट है इसका फायदा होगा उनको जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, तो वो डायरेक्ट अब पीआर में अप्लाई कर देंगे, उनको पीआर मिल जाएगी। उसके बाद तीसरा फायदा होगा उन लोगों को जो जहां से अपने होम कंट्री से कनेडा जा रही है, पहले उनको 2 साल का वर्क परमिट लेना पड़ता है फिर वो पीआर लेती है, लेकिन अब क्या है अब वो 2 साल का काम करेंगे उसके बाद वो पीआर ले लेंगे। तो ये चेंजेस हुए हैं केयर गिवर पायलट प्रोग्राम में, तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो चेंजेस किए गए हैं ये कब से अप्लाई होंगे, तो इनको अप्लाई करना है ये कब अप्लाई होंगे, ये होंगे 30 अप्रैल 2023 से। 30 अप्रैल 2023 से जो फाइल्स केयर गिवर पायलट प्रोग्राम में लगेंगी वो इसी नियमों के अकॉर्डिंगली लगेंगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही जानकारी दी है। सो आपके मन में कोई डाउट हो, आपने कुछ पूछना हो, तो आप हमारे पीछे दिए नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आपको बिल्कुल सही कैनेडियन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंगली जानकारी दी जाएगी। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचे जो केयर गिवर पायलट प्रोग्राम में अपनी फाइल लगाना चाहते हैं। थैंक यू।